नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम नेहरा गोट फार्म पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये लक्ष्मणगढ़ के पास पड़ता है जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ा होगा कि ठंड के समय पर अक्सर बकरियों की जो हेल्थ है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ी सी रुक जाती है। तो इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या खिलाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा, आप कभी आए होंगे तो एक एक्सट्रीम लेवल की गर्मी तो पड़ती ही पड़ती है, साथ में ठंड भी उतनी पड़ती है। तो बकरियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल फीड दिया जाता है जो दाने से बना होता है, उसको उबाल कर बंटे के रूप में तैयार किया जाता है। तो ये बांटा होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें, कितने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले जाते हैं, और पर बकरी के हिसाब से क्या कितनी मात्रा में देना होता है, और इसके देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो भी दर्शक हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, उनके लिए यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो यहाँ से सिरोही बकरियों को लेकर अपने यहाँ पर जाते हैं और उनका पालन करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अपनी बकरियों की ग्रोथ कैसे बढ़ाएँ और या उनका वज़न कैसे बढ़ाएँ, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले तो समझते हैं कि ये बंटा है क्या, फिर उसके बाद आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे बकरियों को खाते हुए। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, फिर आज के टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सीकर में लक्ष्मणगढ़ तहसील से हूँ। नेहरा गोट फार्म नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब, और हम अभी दिखाएंगे आपको सिरोही बकरी और अजमेरी बकरी, और बढ़िया इनको क्या फीड देना चाहिए, सर्दियों में क्या देना चाहिए, गर्मियों में क्या देना चाहिए, और ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो अभी आपको बताएंगे। चलिए, जैसे ये सामने रखा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कब इसे उबाला था और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में हैं? ये हमने सुबह तैयार किया था, जिसमें बाजरी और ग्वार होता है जो, उसके मिक्स में दलिया करके उसको गर्म पानी में उबाला, फिर ये तैयार हो जाता है, मतलब शाम तक 2-3 घंटे में तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, गुआर है, बाजरी है, इसमें थोड़ी खल मिक्स कर देते हैं, ये शाम को फिर दे देते हैं सुबह का तैयार किया हुआ। अच्छा, इसे बकरियां बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, इससे बहुत चाव से खाते हैं, इससे पॉइजन होने का भी कम चांस रहता है बकरियों। अच्छा। के सूखा खिलाने से पॉइजन का चांस हो जाता है। अच्छा, ये मेरे मन में भी सवाल बन रहा था कि अक्सर क्या होता है, हम सीड के रूप में, चाहे वो हमारे यहाँ पर गेहूँ है, चना है, मक्का है, बाजरा, जो भी चीज़ें देते हैं, हम उन्हें सीधे ऐसे दलिया बनाकर उन्हें दे देते हैं, हमें उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसके फायदे, मतलब उसके नुकसान और इसके फायदे क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी डिटेल में बताइए सर। देखिए, वो सूखा होता है, उसके बाद सूखा खिलाने के बाद क्या है, किसान भाई गलती कर देते हैं, उसे पानी पिला देते हैं, तो वो पानी पिलाने के बाद उसके पॉइजन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। और इसमें तो मतलब हम पकाते हैं तो इसमें पानी की मात्रा पहले से रहती है, तो उसमें पॉइजन का चांस कम रहता है। अच्छा जी, चलिए, ये फायदे हैं। तो ये पर बकरी के हिसाब से आप कितना देते हैं सर? हमें ये पर बकरी के हिसाब से आधा केजी का लगभग एवरेज रहता है एक बकरी का। और अपने चाव से खाती है, हम तो एवरेज रखते हैं, मतलब आधा खा रही है, फिर एक खा रही है, सभी को साथ में खिलाते हैं, अलग अलग खिलाते हैं। नहीं, इसको कब से देना शुरू करना चाहिए, जो भी किसान हमें देख रहे हैं वो अपने यहाँ से कब से शेड्यूल में ला सकते हैं? मैं जनरली मंथ की बात कर रहा हूँ, किस महीने से इसे देना शुरू कर सकते हैं और कब तक दिया जाता है? इससे देखिए, अगर हम इसकी मेहनत खूब लगती है इसमें, हाँ। अगर हम पूरे 12 महीने में इसकी मेहनत कर पाते हैं तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, पूरे 12 महीने दो। और वैसे जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से, तो अक्टूबर से लेकर आप फरवरी मार्च तक दो तो बहुत बेटर रहता है ये। इसमें बाजरे की मात्रा रहती है तो वो शरीर को गर्म रखती है, शरीर को गर्म रखती है, जिससे सर्दी का भी ज़्यादा नहीं रहता है। पर सर, बाजरा हम गर्मियों के मौसम में तो नहीं खिलाते हैं, तो फिर ये कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है, तो हम खल और गुआर मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है, गुआर होता है ना, वो वरना बाजरे की मात्रा को कर लेता है लेवल में। बाजरे में गर्मी होती है, गुआर में गर्मी नहीं होती है।
तो इक्वल हो जाता है वो। अच्छा हाँ, या हम गर्मियों में जो बाजरे की मात्रा है उसको भी कम कर सकते हैं। बाजरे की मात्रा कम कर देते हैं, खल डाल देते हैं उसमें, जिससे वो बाजरे का ज्यादा मतलब असर नहीं होता गर्मियों में। क्योंकि आपके यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि गर्मियों के टाइम पर शायद मक्का खिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो किसान भाई मतलब जिस एरिया में मक्का ज्यादा होते हैं या फिर जिसके खेत में मक्का होता है तो वो मक्का खिला सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसको पानी ना पी ले उसके मक्का खाने के बाद में, नहीं तो क्या पॉइजन होने का चांस हो जाते हैं, और पॉइजन होने के बाद बस्ता भी बहुत मुश्किल से है जानवर। चलिए अभी अपन खाते हुए जरूर देखेंगे, एक बार बकरियों को निकाल लीजिए। बहुत जरूरी सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो हम ये दाना दे रहे हैं, एक तो सभी जगह होता नहीं है, जैसे बाजरा सभी जगह नहीं पाया जाता है, और जो इसमें आप डाल रहे हैं वो चीज़ें सभी के यहाँ पर नहीं होती हैं, तो उनकी जगह पर हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें मेहनत खूब लगती है, जैसे हमारे तो खेत है उसमें बाजरा और गुआर दोनों पैदा हो जाते हैं, तो इसमें खर्चा कम आता है, सारा घर का ही रह जाता है। अब जैसे अगर किसी के पास जमीन का नहीं है, उसे बाजरी और गुआर नहीं होता है, तो वो जो है जैसे कि जो सस्ता मिल जाता है मंडी के अंदर, उसके भाव भी थोड़े कम रहते हैं, और बकरियाँ उन्हें भी चाव से खाती है, लेकिन वो पॉइजन वाली मैंने बता दी थी अभी आपको, पॉइजन के चांस उसमें रहते हैं। मेहनत खूब करनी पड़ती है उसमें भी, ध्यान रखना पड़ता है बकरियों की के पॉइजन ना हो जाए। तो जौ देने की क्या विधि होती है, जौ कैसे खिलाया जाए? यदि हम ये सूखी लून की पत्ती है इसके अंदर मिक्स करके डाल देते हैं, तो उसमें क्या जौ के वो कांटे टाइप में होते हैं, वो मुँह में चुभने के लगते हैं, अगर हम लून में मिला के डाल देंगे तो वो आराम से खा लेंगे, उसके मुँह में छाले नहीं होंगे। तो सर इसका क्या खर्चा बैठता है, कितनी लागत, मतलब मैं खर्चे की बात करता हूँ पर बकरी के हिसाब से क्या खर्चा बैठता है इसकी डाइट के, ये बताइए थोड़ा सा जी। जो तो है ना वो उसका कम लगता है खर्चा, जैसे एक बोरी के मेरे हिसाब से, मुझे रियल तो पता नहीं है क्या भाव चल रहे हैं मंडी में, लेकिन 1400-1300 के लगभग आ जाते हैं जो एक क्विंटल के, मान लीजिए 15-20 रुपए किलो के हिसाब से। फिर उसमें और क्या क्या चीज़ें डाली, उनका रेट जो रहता है, हम एक लमसम माने कि 15-20 रुपए पर केजी के हिसाब से वो रेट जो होता है वो बैठता होगा, तो किसान इसकी जगह पर कुछ और भी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सर, हम बात कर रहे थे ग्रोथ ना होने की वजह से, जैसे सर्दियों में अक्सर हमने देखा है, मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ, अभी भी सर्दी का मौसम है, बकरियाँ थोड़ी सी डाउन होती हैं हेल्थ वाइज जी, तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, आप मेनली क्या समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कारण हो जाते हैं और किसान कहाँ चूक कर जाते हैं। देखिए, सर्दियों में कुछ रोग आने की संभावना ज़्यादा है, जैसे FMD है, PPR है, ये सर्दियों में ज़्यादा रहता है, तो इसका किसान लापरवाही कर जाते हैं, उसका वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, FMD का टीका नहीं लगाते हैं, जिससे क्या इसमें FMD आ जाती है और वो बीमार होने के कारण दुबली दिखने लग जाती है, तो टाइम पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए बकरियों का, मेन कारण तो ये रहता है। और सर्दियों में इनका जो ये सेटअप है, सर्दी नहीं लगनी चाहिए बकरियों को, ये ढंग से होना चाहिए, रात को आराम से रह जाए, दोपहर को आपको दिन में बाहर निकाल दो धूप के अंदर, तो वो सही रहता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि आपन ने तो खर्चे की बात कर ली, डाइट की बात कर ली, कि पर बकरी के हिसाब से आप 500 ग्राम दे सकते हैं, उसका खर्चा लगभग मान लीजिए पर केजी के हिसाब से तो आप 10 रुपये पर किलो के हिसाब से। हाँ जी, तो जैसे बात करते रहते हैं लोग कि यार वेट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाना है या बकरियां स्वस्थ रखनी है, तो इसके साथ और क्या दिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके लिए वेट अगर बढ़ाना है तो जैसे कि चने की दाल है, चने में मेथी मिक्स कर देते हैं, तो उसमें एक टाइम तो मैं सुबह वो दे दो, उसके बाद पानी ना भी दो, और शाम के जैसे अभी हमने भंटा के बारे में बताया था, तो ये भी वेट बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इसको बकरियाँ चाव से खाती है, और चना है उससे तो वो फुलावट आती है और वजन बढ़ता है उससे, वो भी एक तरह का बढ़िया है वजन बढ़ाने का, वजन बढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो जैसे चने की बात करते हैं तो चने कैसे कैसे और कब कब खिलाना चाहिए? चना एक वही आधे केजी के लगभग होना चाहिए, और दाल करके सुबह खाली पेट उसको दे देते हैं, खाली पेट, खाली पेट, उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे तक उसको पानी ना पिलाएं, 2-3 घंटे हाँ, तक कोई पानी ना, जिसके कारण वो उगाली में आ जाता है और फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा जी, चलिए, तो दोस्तों जैसे हमने सर से समझा कि कैसे हम अपने यहाँ पर बकरियों का वेट जो है वो बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इनको तैयार कर सकते हैं, मेन चीज़ जो आ जाती है कि यार एक बजट में भी हमारे बैठे, तो जैसे सर ने बताया कि आप जैसे बाजरा संभव नहीं है सभी के यहाँ पर मिल पाना, तो आप उसकी जगह पर जौ का उपयोग कर सकते हैं, चने का उपयोग कर सकते हैं, ये वज़न बढ़ाने के लिए बहुत
ज़रूरी होता है, बकरियों के एक जो कमी होती है, जो मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठंड में जो उन्हें लड़ने की जो सहायक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, तो उसमें ये मदद करता है। सर एक लास्ट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो अक्सर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि बकरी पालन में तेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो सर्दियों में और कौन कौन से तेल जो हैं वो पिलाए जाते हैं, आप किन किस तेल का उपयोग ज़्यादातर करते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो तेल की है वो बात करें तो हम ये जो प्रेग्नेंट बकरी है उन्हें देते तो हम वो बेटर रहता है, और इसे जैसे तेल के अंदर गुड़ का पानी मिक्स कर लेते हैं जिसके कारण वो स्वाद के कारण पी लेती है उसे, और एक बकरी का लगभग एक दिन का 50 ml तेल होना चाहिए। वो खाली पेट सुबह देने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक उसको कुछ नहीं खिलाएं, सुबह उठते ही तेल पिला दो, उसके बाद 2-3 घंटे कुछ से एकदम खाली पेट रखो, जिससे क्या उसका वो तेल की मात्रा शरीर में पूरे शरीर में फैल जाती है और उससे बढ़िया ग्रोथ होती है, उससे बढ़िया ग्रोथ होती है। जो प्रेग्नेंट बकरी है वो बच्ची देती है तो शानदार बकरिया रिजल्ट आता है उसका, मतलब चिकनाई की वजह से चिकनाई की वजह से कोई समस्या भी नहीं होती है, डिलीवरी के टाइम पर वो आसानी से बच्चा भी हो जाता है। और दूसरी बात इसमें बकरियों का है ना चिकनाई आ जाती है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, जैसे आप देख सकते हैं सर की बकरियाँ एकदम तंदुरुस्त और चिकनी है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है मेनली फार्मिंग को लेकर और खाने और पीने से लेकर, जैसे अभी ये देख रहे होंगे ग्वार की फली जो है ये खा रही हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है और मेरा जो मकसद है वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।